अस्सलाम, बाकी पे में मुझे मसला ये हो रहा था कि जैसे अगर किसी कस्टमर के पास यू फोन का नंबर है तो वो यू फोन पे अपने रजिस्टर्ड बाकी पे से रजिस्टर्ड नंबर से बाकी पे बैलेंस शेयर करेगा यू फोन के हमारे SMS के नंबर पे, तो वो हम उसके बाकी पे अकाउंट में ऐड कर देंगे। अगर वारिद का या जोम का या टेलनोर का या मोबिलिंग का कोई कस्टमर होता है तो उन सब के लिए हमें अलग अलग मॉडेम्स की ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग सिम की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हमारा बैलेंस आए तो हम वो उनके अकाउंट में ऐड कर सकें। तो इस वक्त हमारे पास सिर्फ यू फोन की सिम चलती है। जब भी मैं मल्टीपल सिम लगाता हूँ तो सर्वर हैंग हो जाता है, जो हमारा अभी तक वही चल रहा है जो जावा का सॉफ्टवेयर हमारा बना हुआ है। और गमू के अंदर जो मैंने लिनक्स का सर्वर बनाया था तो उसमें मुझे USSD कमांड जैसे *124 है, जैसे *222 है, या उससे बैलेंस वगैरह मालूम करने वाली जो कमांड्स होती हैं वो नहीं चल रही थी। वो अगर मैं चलाता था तो वो स्क्रिप्ट के थ्रू मुझसे नहीं चल रही थी, मैन्युअली मैं चला पा रहा था लेकिन स्क्रिप्ट के थ्रू नहीं चल रही थी वो। तो उसके अंदर ये हो रहा था कि अभी आजकल जो भी बैलेंस ट्रांसफ़र की इनकी जो दी हुई हैं वो कोड्स के थ्रू दी हुई हैं, कि *128 हैश स्टार, उसके बाद नंबर, देन स्टार, देन अमाउंट, देन हैश देकर आप सबमिट करेंगे तो वो उसके बाद रिसीव होगा सर्विस से हो सेंटर से होकर वापस आपके पास कंफर्मेशन लेगा 1 for confirm, 2 for cancel। तो ये एक मेन्यू उनका बना हुआ है। वो मेन्यू जो है जावा के सॉफ्टवेयर अंदर पहले था लेकिन वो भी पुराना मेथड हो गया, उसके थ्रू भी बैलेंस शेयर नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है बाकी पे रुकी हुई है। और इसके अलावा मैंने गमू के दो एक दो दोस्त बने थे फेसबुक पे, जब मैं इस पे लिनक्स वाले सर्वर पे काम कर रहा था तो उनसे भी बात हुई थी, उन्होंने भी यही मुझे सॉल्यूशन इसका कोई नहीं बताया कि इसका कोई हल है। तो उसके बाद मेरी आरफिन भाई से बात हुई थी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने वो भी कोई इस तरह की सर्विस एक बना रहे हैं जहाँ पे वो जॉब करें वहाँ पर, तो उन्होंने कहा था कि हमें टेलीकॉम वालों की तरफ से वेब सर्विसेज मिली हुई हैं जिसके थ्रू हम बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं, और ऐसे डायरेक्ट जो है वो सिम के थ्रू नहीं होगा। ये बोल रहे थे कि इसी तरह की बाकी पे टाइप की एप्लीकेशन वो बना रहे हैं लेकिन वो टेलीकॉम कंपनीज की APIs को यूज़ करते हुए बना रहे हैं। यही है इसका पूरा जो भी प्रॉब्लम हो रही है मुझे यहीं पर हो रही है, इसमें ट्रांसफ़र बैलेंस ट्रांसफ़र करने में और रिसीव करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, और कोई मसला नहीं है, बाकी सॉफ्टवेयर सारा सही है। शुक्रिया।